हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा किंगडम के अंदर, वो है माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे और सीनो बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन हम यहाँ पर लेंगे और बाकी का पोर्शन हम लेंगे सेकेंड लेक्चर में, ताकि हमारा लेक्चर है लेंथी ना हो जाता ज़्यादा, बहुत कुछ ना हो जाए यहाँ पर ड्यूरिंग दिस लेक्चर। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना और कंसंट्रेशन बनाए रखना ड्यूरिंग द लेक्चर, बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा भी हमारा क्या किंगडम मोनेरा के अंडर आता है। ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास क्या सेल वॉल नहीं होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये प्लूरोमॉर्फिक टाइप ऑफ एक बैक्टीरिया है जो अपनी शेप को क्या है लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है ये है कि जो माइकोप्लाज्मा थे ये डिस्कवर किए गए थे इन प्यूरल फ्लूड ऑफ कैटल। जानवर थे इनके प्यूरल फ्लूड के अंदर क्या है, जो कैटल्स थे यानी गाय जो भैंस हमारी होती हैं, इनका जो प्यूरल फ्लूड है वो उनके अंदर फाइंड आउट किए गए थे। और ये जो कैटल्स थे दे आर सफरिंग फ्रॉम प्यूरो निमोनिया, ठीक है। प्लूरो निमोनिया एक तरह का निमोनिया की डिजीज है एनिमल्स के अंदर। तो जो प्यूरो प्लूरल जो फ्लूड था जो उनसे कैटल से लिया गया था तो उसके अंदर पाए गए थे माइकोप्लाज्मा, और डिजीज है वो हमारी कौन सी है, प्लूरो निमोनिया, ठीक है, जो कि नोकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 में तो क्या है डिस्कवर किया था, ठीक है बेटा। नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था इन 1898। सेकेंड पॉइंट की बात करें इन्हें एमएलओ भी कहते हैं, एमएलओज एंड पीपीएलओज। एमएलओज का मतलब है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और पीपीएलओ की बात करें तो प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एम फॉर माइकोप्लाज्मा, एल फॉर लाइक एंड ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम पीपीएलओज की बात करें तो पी फॉर प्यूरो, पी फॉर निमोनिया, एल फॉर लाइक ऑर्गेनिज्म, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्हें हम एमएलओज और पीपीएलओज के नाम से जानते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो इनका जो साइज है 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर के बीच में क्या है रेंज करता है, ठीक है। जितने भी माइक्रोप्लाज्मा है हमारे इनका जो साइज होगा हमारा 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। सेल वॉल में जैसे कि बता सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करती है आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, सिर्फ ओनली क्या है एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके चारों तरफ कोई भी क्या है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं सेल वॉल के ना होने के कारण तो ये जो जीव हैं अपने शेप को चेंज कर सकते हैं एंड आर प्लूरोमॉर्फिक। जैसे कि मैंने बताया था कि इन्हें प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी शेप को क्या है लगातार चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल होगी तो रिजिड होती, रिजिड होती तो क्या ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि प्लांट की सेल्स है उनके अंदर क्या सेल वॉल होती है तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उनमें कोई लगातार अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही इनके पास क्या है सेल वॉल नहीं है देखे तो, और इन्हें कहते हैं प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं, यानी कि ये अपने लगातार सिर्फ इनके पास क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसीलिए लगातार ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक इनलॉक सिस्टम है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के अंदर क्या है सारे सारे इसका जो डीएनए है, दूसरी जो बॉडीज हैं वो सारे के एक ही इनलॉक के अंदर है, सिंगल एक मेम्ब्रेन के अंदर है। वेल डिफाइंड जो ऑर्गनलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनलीज हैं यानी कि वेल डिफाइंड तो सेल ऑर्गनलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी यहाँ पर क्या होता है एब्सेंट होता है,
वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब है कि इसके पास ना तो हिस्टोन प्रोटीन होती है न्यूक्लियस के पास, और ना ही इनके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनके पास, विच इज नेक्ड, ठीक है। नेक्ड बैक्टीरिया की क्या काफी प्रॉपर्टी थी हमारी, इनके पास क्या नेक्ड डीएनए मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनके पास, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स होते हैं माइकोप्लाज्मा के पास, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं हमारे, ठीक। जितने भी हमारे ये किंगडम मोनरा की बात कर रहे हैं, उनके अंदर हमें क्या है, 70S टाइप ऑफ क्या राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। इंजाइम्स होते हैं, वेरियस जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या फ्रीली सस्पेंड करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साथ ही साथ ये एसोसिएटेड होते हैं किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, यानी कि जो फ्रीली प्रेजेंट इंजाइम्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए भी हमें क्या है देखने को मिलते हैं इंजाइम्स, इन द केस ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है बेटा। डीएनए जो होता है इनके पास क्या होती है, रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है एक एंड के ऊपर, ठीक है, ताकि उनका क्या रेप्लिकेशन होता रहे एंड सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के हमारा साथ साथ ही होता रहे, ठीक है। एक रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है जहां से क्या है रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है इनकी, तो डिफरेंट रेप्लिकेशन डीएनए जो रेप्लिकेटिंग डिस्क है, मान लो ये कोई डीएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो एक एंड पर क्या मिलेगी आपको, एक रेप्लिकेटिंग डिस्क मिलेगी जहां से क्या है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेपरेशन का काम भी वहीं से होता है हमारा, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन की बात कर दिया, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। कुछ एक इनमें से क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर क्या है एज ए पैरासाइट क्या है वो रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये इनमें से कुछ एक ऐसे क्या होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इनकी अपना जो तो खाना है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या है वो लेते हैं, और इनमें से ज्यादातर क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं, यानी कि जो पैरासिटाइज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर क्या हमें पाए जाते हैं, इसलिए क्या ये पैरासाइट है, अपना फूड क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं और उन्हीं को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एंड माइकोप्लाज्मा लेडलवाई, ठीक है। दो एग्जाम्पल हमारे भी यहाँ पर बेटा कौन कौन से हो गए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एंड माइकोप्लाज्मा लाइड लेड लवाई, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा लेड लवाई, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा एग्जाम्पल्स को। अब हम बात करेंगे सियोनोबैक्टीरिया की, जिन्हें हम ब्लूग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सियोनोबैक्टीरिया यानी ब्लूग्रीन एल्गी, एल्गी जैसे नजर आते हैं मगर रियल में क्या होते हैं हमारे बैक्टीरिया होते हैं, और एल्गी से नजर आते हैं इसलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा हम ब्लूग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। रिजेंबल करता स्ट्रक्चर इनका एल्गी से, इसीलिए क्या इनको ब्लूग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। सियोनोबैक्टीरिया ऑक्रेंस की बात करें कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले बात करें तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि सीजनल बैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और अर्थ के लगभग हर एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेगा, सी के अंदर देखने को मिलेगा, वो सी जो सी वाटर वहां भी देखने को मिलेगा, सॉल्ट मार्शेस होती है वहां देखने को मिलेगा, जो मॉइस्ट रॉक्स होते हैं वहां देखने को मिलेगा, पेड़ों के तनों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, गीली मिट्टी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहां पर देखने को मिलेंगे, और जो जमा हुआ जो पानी है आपको वहां भी क्या है देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है हर तरह की हैबिटेट के अंदर क्या आपको देखने को मिलते हैं सियोनोबैक्टीरिया, जिसके कारण आप सोच सकते हो कि जो एबंडेंस है इनकी, तो इससे आइडिया लग सकता है कि जो रेड सी है यानी कि कलर जो सी का कलर रेड हो जाता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्लैंक्टोनिक सियोनोबैक्टीरिया नोन एज ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ से हमारा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है कि जो रेड कलर होता है सी का, जो रेड सी हो जाता है कलर का, वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है हमारा, वो बैक्टीरिया हमारा कौन सा है ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि ये रेड कलर का जो बैक्टीरिया होता है इतनी पॉपुलेशन इसकी इतनी बढ़ जाती है कि पूरा सी क्या है रेड कलर का नजर आता है, इसीलिए उस को हम क्या रेड सी, इस फिनोमेना को हम क्या है रेड सी के नाम से भी क्या है जानते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इससे आइडिया लग सकता है कि इसकी जो एबंडेंस है, इसकी जो बहुतायत है हमारे इन्वायरमेंट में कितनी हो सकती है, ठीक है। हर एक तरह के इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेगा, हर एक तरह के जो आपका जो हैबिटेट है वहां देखने को मिलेगा, ठीक
फॉर एग्जाम्पल हमारा है रेड सी का, जो क्या है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी बढ़ जाती है कि पूरे जो रेड सी जो सी के ऊपर कवरिंग होती है, ऊपर वाला सरफेस होता है पूरा कवर हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और बैक्टीरिया कौन सा? हमारा ट्राइकोडेसमियम एराइथ्रियम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार बना रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि किस बैक्टीरिया के कारण क्या रेड सी की कलरेशन हो जाती है। प्लैंकटोनिक सीनोबैक्टीरिया वो होते हैं जो क्या है काफ़ी छोटे होते हैं और क्या तैरते रहते हैं। ठीक है, तैरने वाले बैक्टीरिया हैं जो प्लैंकटोनिक कहते हैं, प्लैंकटोनिक मतलब काफ़ी स्मॉल बैक्टीरिया हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसके कारण क्या है जो सी का कलर क्या होता है रेड हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, ये हर एक तरह के क्या इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलते हैं, हर तरह के सबस्ट्रेट पर मतलब जिसके ऊपर ग्रो कर सके उस तरह हर तरह के सबस्ट्रेट पर क्या आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को क्या है ग्रो कर सकते हैं, तो उस तरह के हर सबस्ट्रेट पर क्या है आपको देखने को मिलते हैं सील बैक्टीरिया। ठीक है, जिसके कारण ये माना जाता है कि सबसे अर्लीस्ट कोलोनाइजर होते बैरन एरियाज के, यानी कि सबसे पहले की बात करें शुरुआती जो जीवन स्टार्ट होता है किसी भी एक बंजर जमीन के ऊपर, किसी भी बंजर जमीन के ऊपर जब भी बंजर पत्थर है या कोई जमीन है उसके ऊपर जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कोलोनाइजर माने जाते हैं सीनोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हर तरह के सबस्ट्रेट पे क्या है अपने आप को क्या है डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए माना जाता है दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉलोनाइजर ऑफ बेरन एरिया। ठीक है, जो आपके बेरन एरिया जहाँ पर पहले लाइफ नहीं थी ऐसी जगह पर सबसे पहले जो अपने आप को स्थापित करते हैं वो हमारे क्या है सीनोबैक्टीरिया। और इनमें से क्या है कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास एबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, बहुत सारे क्या है ऐसे सीनोबैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या एबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जैसे कि आप इसमें नॉस्टॉक है, ठीक है, एनाबिना है, तो इनमें क्या है एबिलिटी होती है क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, इनके अंदर क्या हेटरोसिस देखने को मिलती है, इसके आगे हम बात करेंगे जब आगे हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जब मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे वहाँ पर हम हेटरोसिस के बारे में बात करेंगे कि उनके पास क्या होता है एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या है वो हेटरोसिस होती है और वो हेटरोसिस क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। तो ये क्लियर हो चुका है हमारा कि ये अर्लीस्ट कॉलोनाइजर होते हैं बैरन एरियाज के और इनमें से ज्यादातर के पास क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या होती है एबिलिटी होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला हमारा ओसिलेटोरिया है, फिर आपके पास अर्थ्रोस्पोरा है, फिर यहाँ पर नॉस्टॉक है, यहाँ पर एक थर्ड फोर्थ हमारे क्या एनाबिना है, लास्ट हमारे क्या रिप्यूलेरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉस्टॉक है ये वाला नॉस्टॉक के अंदर आपको क्या एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेगा सेल का, जितने भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर हमारा ये वाला है हेटरोसिस्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ऐसा ही हेटरोसिस्ट हमें काम देखने को मिलेगा एनाबिना के अंदर। ठीक है, रेगुलेरिया के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा हेटरोसिस्ट, दिख रहा है बेटा। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सीनोबैक्टीरिया के अंदर मिलता है इसे कहते हैं हम हेटरोसिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर एकाइनेट नजर आ रही है, एकाइनेट एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो क्या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है बेटा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जितने भी ये आप देख रहे हो सीनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीन एल्गी ये सारे के सारे क्या फिलामेंटस हैं सारे सारे फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं, जैसे रिबन लाइक कह सकते हो, रिबन लाइक फॉर्म में होते हैं। और सबसे पहला हमारा ओसिलेटोरिया है, इसमें आप देख सकते हो सारे के सारे हमारे क्या हैं जो जितने भी हमारे सेल्स हैं सारे क्या सारे एक जैसे हैं, कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये कहलाता है ट्राइकोम्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये क्या कहलाता है ट्राइकोम, जिसमें काफी सारे सेल आपस में जुड़े होते हैं फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, इसे कहते हैं ट्राइकोम। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ट्राइकोम है, ये भी हमारा ट्राइकोम है, ये भी हमारा ट्राइकोम है, ये भी हमारे क्या ट्राइकोम है। तो यहाँ पर क्या सारे ट्राइकोम भी दो तरह के होते हैं बेटा, यहाँ पर कौन कौन से हो गए, एक ट्राइकोम होता है होमो सिस्टस टाइप का और एक होता है हेट्रोसिस्टस टाइप का ट्राइकोम। होमो मतलब ऐसे ट्राइकोम, ऐसा फिलामेंट जिसमें सारे के सारे सेल के एक जैसे होते हैं, जैसे कि इसमें आप ओसिलेटोरिया में देख सकते हो, अर्थ्रोस्पोरा में देख सकते हो कि सारे के सारे जो सेल्स हैं फिलामेंट के अंदर
सारे के एक जैसे हैं, इसीलिए ये जो ट्राइकोम है हमारा, ये ऑसिलेटोरिया वाला और आर्थ्रोस्पोरा वाला हमारा कौन सा हो गया, होमोसिस्टस हो गया। और बाकी जो तीन आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, इसमें एक सेल हमारा ये अलग हो गया हेट्रोसिस्ट, एक हमारे यहाँ पर एकाइनेट वाला अलग हो गया, तो यहाँ पर एक ये जो हमारा ये सिंपल सेल आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं एक ही इसके अंदर फिलामेंट के अंदर। तो ये जो ट्राइकोम है ये कहलाता है हेट्रोसिस्टस टाइप ऑफ ट्राइकोम। बात समझ में आ गई बेटा, होमोसिस्टस एंड हेट्रोसिस्ट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ए फिलामेंट, इसलिए हमारा कौन सा ट्राइकोम हो गया, हेट्रोसिस्टस टाइप ऑफ ट्राइकोम। बात क्लियर होगी। और इसके बाद डॉटर लाइन आप देख रहे हो, ये डॉटर लाइन के हमारी न्यूसिलेज की कवरिंग है, ठीक है, न्यूसिलेज की आउटर कवरिंग होती है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या है प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, उसको प्रोटेक्ट करने काम करती है। तो बात क्लियर होगी बेटा, यहाँ पर हेट्रोसिस्टस और होमोसिस्टस ट्राइकोम क्या होता है, ट्राइकोम मेनली क्या है, ट्राइकोम क्या है, ट्राइकोम हमारा होता है एक फिलामेंटस, एक सीनोबैक्टीरिया होता है जिसमें सारे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ पर ट्राइकोम कहलाता है। और ट्राइकोम दो तरह के होते हैं बेटा हमारे यहाँ से, होमोसिस्टस एंड हेट्रोसिस्टस। होमो मतलब से, ऐसा ट्राइकोम जिसमें सारे के सारे क्या है सेल्स एक जैसे होते हैं, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोसिस्टस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन है ट्राइकोम, वो आपको कहलाएगा हेट्रोसिस्टस। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी की, कि दिखने में कैसे होते हैं सीनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहली बात है, ये आपके सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं हम आपके, ठीक है, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कई सारे जो सीनोबैक्टीरिया आपस में मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक हमारा एक बेहतर एग्जांपल है इसका। नॉस्टॉक एक कॉलोनियल फॉर्म ऑफ क्या है आपका, सीनोबैक्टीरिया, कौन सा कॉलोनियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है जो एक कॉलोनी बनाने का काम करता है। इसके अलावा क्या फिलामेंटस है, जैसे हमने पढ़ा अभी, पर नॉस्टॉक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नॉस्टॉक नहीं है यहाँ पर कॉलोनी फॉर्म में। फिलामेंटस का एग्जाम्पल हमारा नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ठीक है, ये सारे सारे हमारे क्या है फिलामेंटस टाइप ऑफ क्या है आपके जो सीनोबैक्टीरिया की। कॉलोनियल फॉर्म की बात करें, हमारा एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे पे, मेरे ध्यान में नहीं आता कौन इसका जो एग्जाम्पल हमारा है, ठीक है। हमारे यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो हर एक जो फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ ए शीट ऑफ न्यूसिलेज, जैसे मैंने डायग्राम में देखा था, हर फिलामेंट के चारों तरफ एक शीट होती है, कवरिंग होती है, इससे कहते हैं न्यूसिलेज। और एक वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड कॉल्ड ट्राइकोम्स, जैसे कि मैंने बताया ट्राइकोम्स आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से मॉर्फोलॉजी की बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर सिंगल ट्राइकोम फिलामेंट है तो फर्दर क्या टू टाइप्स के होते हैं हमारे, होमोसिस्टस जैसे कि मैंने बताया था, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया एग्जाम्पल था बताया था मैंने आपको, एक टाइप ऑफ हमारे क्या सारे सारे सेल हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। हेट्रोसिस्टस की बात करें तो इसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं हैविंग हेट्रोसिस्ट, जैसा कि बताया था हमने नॉस्टॉक एनाबीना में देखा था, वो डायग्राम देख लेते हैं बेटा यहाँ पर दोबारा से। तो यहाँ पर आपको हेट्रोसिस्ट देखने को मिलती है आपको, तो ये आपको कौन सा हो गया, हेट्रोसिस्टस टाइप ऑफ ट्राइकोम, ठीक है, जैसे कि नॉस्टॉक एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पर बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी इसकी कॉलोनीज की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कॉलोनीज डेवलप इन सम केसेस इन नॉस्टॉक, ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था, कुछ एक ऐसे हमारे क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनीज को डेवलप कर लेते हैं, एग्जाम्पल क्या इसका नॉस्टॉक है, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, मगर इनके अंदर क्या ग्लाइडिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट छोटी सी क्लिप देखेंगे जिसमें आप देख पाओगे जो ऑसिलेट हो रही है आपको वहां पर क्या है ग्लाइडिंग मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है, पेंडुलम लाइक ऑसिलेटिंग मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है, किसी ऑसिलेटोरिया की, ठीक है, उसी के नाम पर क्या है इसका नाम पड़ा है ऑसिलेटोरिया, ठीक है, लिखा ना ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ मूवमेंट आर शोन इन द केस ऑफ ऑसिलेटोरिया, तो ऑसिलेटिंग टाइप मूवमेंट शो करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, ऑसिलेटोरिया नाम पड़ गया, ठीक है। पेंडुलम लाइक मूवमेंट होती है, और जो एंटीरियर पार्ट होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, वहां से क्या होते हैं मूवमेंट होती है, जैसे पेंडुलम मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बार बार अपने आप ही मूवमेंट को रिपीट करता है, तो वैसी ही मूवमेंट क्या होती है ऑसिलेटोरिया की होती है। आप देखोगे इसके अंदर बड़ी खूबसूरत यहाँ पर क्या है, आगे मिलेगा आपको डायग्राम्स का वीडियो।
सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो टिपिकली प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, वन एनवलप ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिंगल सेल आकार का, सिंगल मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, और इसके पास क्या मिलती है, पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन सी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल होती है। नेक डीएनए होता है, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं इनके पास। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेफ वैक्यूल, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। सेफ वैक्यूल से आपको यहाँ पर क्या गैस आपको नजर आएंगे, ठीक है। सेवा उत्तर फोर लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट इन सेकंड लेयर, ठीक है। फोर लेयर सेल वॉल होती है और सेकंड लेयर में क्या देखने मिलेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन आपको क्या देखने मिलता है। आउटर जो पार्ट होता है प्रोटोप्लास्ट का, यानी कि जो लिविंग मैटर है बैक्टीरिया का, इनके पास क्या है, काफी सारे आपको फोटोसिंथेटिक थैलोकॉइड नजर आएंगी, इन्हें कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। काफी क्रोमोप्लाज्म क्यों कहते हैं बेटा, दे आर कलर्ड इन नेचर, ठीक है, कलर्ड होती है उनको, जो सियनो बैक्टीरिया होता है इसको कलर प्रोवाइड करती है, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, जो रेड कलर है, इस तरह की क्या है, कलरेशन प्रोवाइड करती हैं ये, जो फोटोसिंथेटिक थायरोकोइट्स होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हमें, क्रोमोप्लाज्म भी इन्हें हम क्या है कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो डायग्राम आपको बताया था, आपको वीडियो देखो भैया, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लाइडिंग मूवमेंट, तो ध्यान से देखना, बड़ी प्यारी मूवमेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसका आप एंटीरियर व्यू, यहाँ से आप एंटीरियर व्यू देख सकते हो, यहाँ से आप ये कैसी पेंडुलम माइक मूवमेंट लगा रही है, आपको लगा रही है आपको यहाँ पर, ठीक है, एक बार इससे जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है, तो ये जो मूवमेंट है ये ओसिलेटोरिया की मूवमेंट है, ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट है, बड़ी आसानी से आप ऊपर कर पा रहे हो मूवमेंट को। इन्हीं ग्लाइडिंग मूवमेंट के कारण, इन्हीं पेंडुलम लाइक मूवमेंट के कारण इनका नाम क्या पड़ा, ओसिलेटोरिया पड़ा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ये जो डायग्राम है, ये पेंडुलम लाइक मूवमेंट है, ओसिलेटिंग मूवमेंट है, जिनके कारण इसका नाम क्या पड़ा, ओसिलेटोरिया पड़ा, ठीक है। तो अभी सेल स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देख सकते हो अंदर आपको क्या है, गैस वैक्यूल आपको नजर आएगा यहाँ से। इसके अलावा थाइलोकॉइड जो मेम्ब्रेन्स हैं, फोटोसिंथेटिक जो मेम्ब्रेन्स थी आपको नजर आई, थाइलोकॉइड नजर आ रही है, ठीक है। और सेंटर में आपको सर्कुलर क्रोमो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड जो प्रेजेंट है वो सेंटर में, यहाँ पर क्या फूड रिजर्व नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहा है फूड रिजर्व। इसके अलावा आपको नजर आ रहे हैं फाइकोबिलिन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, फाइकोबिलिन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जो उनको क्या है फोटोसिंथेसिस करने में क्या हेल्प करते हैं। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड रिजर्व आपको नजर आएगी, जो छोटी छोटी ब्लैक डॉट्स नजर आ रही है यहाँ पर आपको, ये क्या पॉलीसेकेराइड रिजर्व है। इसके अलावा बाहर वाली कवरिंग आपको नजर आ रही है, जेल लाइक कवरिंग है बाहर की तरफ, प्रोटीन के क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे, और बाहर आपकी क्या है सेल वॉल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सेल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको सीएनो बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यू आर विविंग इन द डायग्राम ऑफ द सीएनो बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो है, इसके आपको क्या गैस वैक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गैस वैक्यूल मैंने था स्टार्टिंग में जो बताया था, सैप वैक्यूल जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, लाइट स्क्रीन, लाइट को स्क्रीन करने, लाइट को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं किसको, सिनोबैक्टीरियम को, बायोन्सी में उसको तैरने में उसको हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, गैस वैक्यूल, ठीक है। और इसके अलावा न्यूमेटिक स्ट्रेंथ भी क्या है प्रोवाइड करते हैं टू द सीएनो बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायग्राम मैंने देखा था वहां पर क्या देखने को, आपको एक नेक्ड विदाउट एनी हिस्टोन प्रोटीन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिला, ठीक है। इन्हें सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जो आपका बैक्टीरिया डायग्राम था, डायग्राम था, इसके सेंटर में आपको क्या है कि कॉइल्ड आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला था, जो कि नेक डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हमें न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये रहे यहाँ तक, ये नेक्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि नेक्ड, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, नेक्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं,
बैक्टीरिया की तरह क्या है, इनके अंदर भी आपको स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट नजर आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, बताओ आप, तो कहते हैं प्लाज्मिड्स। बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड्स कहते हैं या फिर ट्रांसपोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड या फिर ट्रांसपोजोम्स कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर याद होगा, एक बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा वहां पर मैंने बताया था एक डबल सेंटर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और वो प्लाज्मिड क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की तरह भी सीनो बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या प्लाज्मिड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे कहते हैं थाइलाकॉइड्स होती है, फ्रीली सस्पेंड होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीन्स होती हैं, ज़ैंथोफिल्स होती हैं, मगर इनके अंदर क्या क्लोरोफिल बी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। डायग्राम में देखा था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स थी वहां पर, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर भी आपको क्या है, मेन जो मिलेगा आपका फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है फाइकोबिलिन मिलते हैं, उसके अंदर आपको क्या है फाइकोएराइथ्रिन आपको देखने को मिलेगा, फाइकोबिलिसोम देखने को मिलेंगे, फाइकोसिनेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फाइकोएराइथ्रिन आपको देखने को मिलेगा जो कि क्या है डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है क्या सिनोबैक्टीरिया को, ठीक है। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बेटा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास क्लोरोफिल ए है, कैरोटीन्स हैं, ज़ैंथोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल भी क्या इसके पास है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स क्या है जुड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं फाइकोबिलिसोम। क्या कहते हैं हम, फाइकोबिलिसोम कहते हैं, ठीक है। और फाइकोबिलिसोम्स के पास क्या होता है, फाइव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फाइकोबिलिन्स। क्या कहते हैं, फाइकोबिलिन्स कहते हैं। जो फाइकोबिलिसोम है जो जुड़े हुए हैं ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर विद द, आपने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देखी थी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे एक काले रंग के डॉट्स जुड़े हुए देखे थे, उन्हें कहते हैं फाइकोबिलिसोम कहते हैं। और ये फाइकोबिलिसोम के पास क्या है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फाइकोबिलिन। जैसे कि मैंने आपको बताया तीन तरह के बताए थे मैंने आपको, फाइकोसिएनिन बताया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था तो कलर प्रोवाइड करते हैं सिनोबैक्टीरिया को, फाइकोसिएनिन, एलो फाइकोसिएनिन एंड फाइकोएराइथ्रिन, ठीक है। फाइकोसिएनिन क्या करता है, ब्लू कलर का होता है, एलो फाइकोसिएनिन भी ब्लू कलर का होता है, और फाइको जो एराइथ्रिन होता है हमारा क्या है, रेड कलर का होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कि तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ क्या है, कुछ ग्रेन्यूल्स जुड़े होते हैं जिन्हें फाइकोबिलिसोम कहते हैं, और इनके पास फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो फाइकोबिलिन्स कहलाते हैं। तीन तरह के होते हैं हमारे, फाइकोसिएनिन, एलो फाइकोसिएनिन एंड फाइकोएराइथ्रिन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बताया मैंने कि भी टिपिकल जो वैक्यूल्स होते हैं सैप वैक्यूल्स की बजाय इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं या स्यूडो वैक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके अंदर, सीनो बैक्टीरिया के अंदर। हम गैस वैक्यूल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या फंक्शन होता है हमारा, ठीक है बेटा। तो टिपिकल गैस टिपिकल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, मगर क्या गैस वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा, सेमी सर्कुलर ग्रुप ऑफ कॉइल्ड मेम्ब्रेन ऑफन अटैचेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियोइड, इट इज नॉट नोन एज लैमेलर ज़ोन, इन्हें क्या कहते हैं, लैमेलर ज़ोन कहते हैं। कुछ सेमी सर्कुलर ग्रुप ऑफ कॉइल्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोइड से जोड़ती हैं, जैसे कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, म्यूजोम्स के बारे में पढ़ा था, सेटल लैंड जो लेटरल म्यूजोम्स के बारे में बात की थी हमने, तो कुछ उसी तरीके के क्या है मेम्ब्रेन, कॉइल्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियोइड को क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है, जिन्हें क्या कहते हैं लैमेला ज़ोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमेला ज़ोन्स कहते हैं, ठीक है। चार प्रकार की इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं इन सेल्स के अंदर, कौन कौन सी बेटा, वो अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सीनोफासिन स्टार्च भी कहते हैं, हमें बैक्टीरिया के अंदर हमें इंक्लूजन बॉडीज हमें देखने को मिली थी अल्फा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जिन्हें हम सीएनोफाइसिन स्टार्च कहते हैं, बीटा ग्रेन्यूल्स भी वहाँ देखने को मिले थे बैक्टीरिया के अंदर, लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स यानी कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी हमें क्या देखने को मिलते हैं जो हमें बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिले थे। इसके अलावा पॉलीहेड्रल बॉडीज देखने को मिलती हैं जिन्हें हम रेगुलो बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज भी
के नाम से भी क्या है जानते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो जो इनकल्सेंस बॉडीज हमारे कौन कौन सी होगी, अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स, वोलेटिन ग्रेन्यूल्स और रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी कि पॉलीहेड्रल बॉडीज भी हमें क्या देखने को मिलती है इनसाइड द सीनो बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ इनक्लूजन्स बॉडीज, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। बैक्टीरिया जैसे मिलता जुलता आपका क्या है इनकल्सेंस बॉडीज है, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है बैक्टीरिया और सीनो बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये हमारा आज के लिए बस इतना ही था हमारा सीनो बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं हेटरोसिस्ट के बारे में और उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में कैसे होती है, और कुछ एक जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है हमारे जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑस्टिलेटोरिया है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे लिए नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑस्टिलेटोरिया। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारी तरफ से। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे।